नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गठरी चैनल में उमा शंकर शर्मा की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम वाक्य विचार सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य विचार किसे कहते हैं, वाक्य विचार के कितने भेद हैं, वाक्य विचार के कितने प्रकार होते हैं। शब्दों को सार्थक व क्रमबद्ध रूप से प्रयोग कर ही वाक्यों का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित शब्द समूहों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं मित्र का नहीं हूँ मोहन, जीवन में सब नहीं कुछ है धन, विद्यालय राम नहीं कल जाएगा। उपयुक्त शब्द समूहों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इन शब्द समूहों को पुनः व्यवस्थित ढंग से लिख कर देखते हैं। मैं मोहन का मित्र नहीं हूँ, जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है, राम कल विद्यालय नहीं जाएगा। ये शब्द समूह अब एक स्पष्ट अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्दों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ राम के विषय में बात की गई है, अतः राम उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में राम के विषय में बताया गया है, पुस्तक पढ़ता है, यह विधेय है। विधेय में कर्म, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि सम्मिलित रहते हैं। उद्देश्य और विधेय के कुछ उदाहरण। पीली साड़ी पहनी हुई महिला उस ओर गई है। इस वाक्य में पीली साड़ी पहनी हुई महिला उद्देश्य यानी करता है और उस ओर गई है विधेय है। मेरी माताजी आज आ जाएगी। इस वाक्य में मेरी माताजी उद्देश्य यानी करता है और आज आ जाएगी विधेय है। रोहित फुटबॉल का मैच देखने गया है। इस वाक्य में रोहित उद्देश्य यानी करता है और फुटबॉल का मैच देखने गया है विधेय है। अयोध्या नरेश दशरथ एक प्रतापी राजा थे। इस वाक्य में अयोध्या नरेश दशरथ उद्देश्य यानी करता है और एक प्रतापी राजा थे विधेय है। शाहरुख खान एक श्रेष्ठ अभिनेता है। इस वाक्य में शाहरुख खान उद्देश्य यानी करता है, एक श्रेष्ठ अभिनेता है विधेय है। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, पहला अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। पहला अर्थ के आधार पर वाक्यों को देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा जाता है। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा इच्छावाचक, पांचवा संकेतवाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां आज्ञावाचक और आठवां विस्मयवाचक वाक्य होता है। पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का
सामान्य कथन होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, अमर खाना खा रहा है। इन वाक्यों में क्रिया को करने या होने का सामान्य बोध हो रहा है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, यहाँ धूम्रपान निषेध है। नहीं तथा निषेध शब्द निषेधवाचक वाक्यों में प्रयोग होते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज खाने में क्या बना है, यहाँ कौन आया था, तुम कहाँ रहते हो, क्या अनुज पढ़ने गया है। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशा, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे तुम सुखी रहो। इच्छावाचक के बाद पांचवा है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, दूसरी क्रिया अर्थात एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करता हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि सोते रहोगे तो काम कैसे पूरा करोगे। छठा है संदेहवाचक वाक्य। संदेह का अर्थ होता है शंका। जिन वाक्यों से क्रिया के होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल विद्यालय जाए, हो सकता है यह मान जाए। सातवां है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुरोध, प्रार्थना या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अंदर आ सकते हो, कल आप जा सकते हैं। आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, भय, घृणा, शोक, विस्मय आदि मन के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हे राम, यह क्या हो गया, वाह कितना बड़ा घर है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अंकुर खाना खाता है, हमारे विद्यालय में कल समारोह का आयोजन किया गया है, कक्षा में बहुत शोर हो रहा है, पेड़ काटने से वायु दूषित होती है। इन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय है, अतः ये साधारण वाक्य या सरल वाक्य है। जैसे अंकुर खाना खाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें दो सरल वाक्यों को अर्थात दो स्वतंत्र वाक्यों को विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। यह योजक किंतु, परंतु, तथा या आदि होते हैं। जैसे
अमित पढ़ता है और अमिता गाती है। डॉक्टर ने दवा दी और चला गया। आपकी प्रतीक्षा करते रहे किंतु आप आए नहीं। उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया। इन वाक्यों में और वह किंतु समुच्चय बोधक वाक्य है जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, परंतु इन योजकों को हटाने पर भी ये वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे अमित पढ़ता है, अमिता गाती है। संयुक्त वाक्य के बाद आता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो या दो से ज़्यादा वाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जय ने कहा कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा। जब तुम घर आ जाओगे तब मैं बाजार जाऊंगी। दीपक ने वह किताब ले ली जो मुझे पुरस्कार में मिली थी। सचिन लंदन गया था क्योंकि उसे अपना व्यापार बढ़ाना था। इन वाक्यों को ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है और उन्हें विभिन्न योजकों द्वारा जोड़ा गया है। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य जो उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं तथा अन्य उपवाक्यों पर निर्भर नहीं करते, मुख्य उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करते हैं उन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे उपयुक्त उपवाक्य में जय ने कहा, स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य है। कि वह कल विद्यालय नहीं आएगा आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह मुख्य उपवाक्य पर आश्रित है तथा उसके बिना अधूरा है। अभी तक हमने पढ़ा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, समास, प्रत्यय इत्यादि। अब इनको हम बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में संज्ञा में। चिन्ह विचार और छंद विचार को लास्ट में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। जब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और हमारी वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।